हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का गोरखपुरी नीटिंग विद वंदना में। और आज मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारा सा इस सावन के महीने में केसरिया कलर का और हरा सफ़ेद और मैरून मिला के एक बहुत ही खूबसूरत सा पूजा थाली कवर बनाई हूँ। ये देखिए, जो बहुत ही प्यारा और बहुत बड़ा है। आप मतलब ये डिज़ाइन मैं आज आप लोगों को बना के बताऊँगी, लेकिन छोटे में, ठीक है। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों। ये पूरे 8-9 कली का है, ठीक है। तो आज हम बनाएंगे यही वाला डिज़ाइन और इससे छोटे में हम बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अगर पूरा देखेंगे तभी आपको ये डिज़ाइन जो है समझ में आएगा। और यहाँ पे ये देखिए, ये किनारी का जो पैटर्न है इसका, ये किनारी, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों। और ये जिसको हम पफ बोलते हैं, ये अंगूर की तरह होता है, ठीक है। जब ये थाली कवर हम इसको ऐसे मतलब पूजा थाली कवर पे रखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कुछ इस तरह से जब ये उठा उठा होगा तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। इसी ये पूजा थाली कवर है, मतलब ये हमारा थोड़ा बड़ा है, हम इससे छोटा बनाएंगे, ठीक है। देखिए, ये हमने ये वाला जो हम बनाएंगे थालपोश, ठीक है, छोटा वाला जो पूजा थाली कवर बनाएंगे, इसको हम ये 3 कलर में बनाएंगे, गुलाबी, हरा और सफ़ेद, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऊन जो है हमारा 4-ply का है, पतले में आता है, इतने पतले में। देखिए, इसमें 4 लर है, ठीक है। आप ऊन अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो सबसे पहले जहाँ ये बीच वाला जो हम बनाएंगे डिज़ाइन, ठीक है, इसको हम गुलाबी कलर से बनाएंगे। ये मैरून वाला जो डिज़ाइन हम बनाया है, इसको हम गुलाबी कलर से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखिए ऐसे मैजिक रिंग बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है दोस्तों, इसको मिस मत करिएगा। बहुत ही प्यारा सा पूजा थाली कवर बनेगा। इस वाले में मैंने टोटल जो है 16 ट्रिपल क्रोशिया बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, मैजिक रिंग बनाने के बाद हमें 4 चैन लेने हैं, 5 चैन लेने हैं। 1, 2, 3, ये 4 हो गया हमारा, ये 5, ठीक है। फिर धागे को ऐसे दो बार, ये जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं इसमें डबल क्रोशिया कहीं हमें नहीं बनाना है, हर जगह हमें ट्रिपल क्रोशिया ही बनाना है, ठीक है। देखिए, धागे को दोबारा पेटेंगे और यहाँ पे ऐसे खींचेंगे और यहाँ पे हमें ये देखिए, यहाँ 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, टोटल हमारा कितनी बार में बना, 3 बार में बना, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लेंगे 1, ठीक है, ये 2 चैन लिया हमने, फिर धागे को दो बार लपेटेंगे, टोटल ये हमारे 3 फंदे हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से हम जब निकालेंगे तो ये हमारा हो गया है 4, फिर इसको लपेटेंगे तो 5 हो गया ना हमारा, लपेटा हुआ ये वाला लेके। तो इसको 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमें ये बनाना है, फिर से 2 चैन, फिर धागे को दो बार लपेटेंगे, फिर इसमें से हमें से निकाल के ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 2 का 1 2 का 1। ये हमें टोटल 8 बार बनाना है, ठीक है। उसमें हमने 16 बार बनाया था तो वो बड़ा हुआ है, और इसको हमें सिंपल सिर्फ 8 बार ही बनाना है। तो ये हमारा देखिए 1, 2, 3 हो गया, और हमें 5 बार और बना लेना। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो है 7 जाली बन गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चैन लेंगे, 1, 2 चैन लेंगे, और ये जो हमारा ये वाला धागा है ना, जो रिंग बनाए थे, इसको हम ऐसे खींच लेंगे, ऐसे इसको खींच लेंगे, फिर ये जो 2 चैन बनाए थे हम, इसको हमें ऐसे यहाँ से 1, 2, 3, 4, ये चौथा है ना, इसमें हमें ऐसे इसको निकाल लेना है और एक स्लिप स्टिच लगा देना। टोटल हमारा यहाँ पे 8 बन के तैयार हो गया होगा। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बन गया ना। फिर इसको हम इस वाले में लेके ऐसे डायरेक्टली आएंगे, ठीक है, स्लिप स्टिच से। तो ये हमारा जो एक लाइन का गोला है, ये बन के तैयार हो गया कुछ इस तरह से, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फिर से 1, 2, 3, 4 चैन लेना है, ठीक है। 4 चैन लेने के बाद धागे को दो बार लपेटेंगे और यहाँ पे ऐसे हमें ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए, यहाँ पे हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया, फिर से हमें 1, 2 चैन लेना है, ठीक है। फिर धागे को दो बार लपेटेंगे और इस वाले में फिर से हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया से बना लेना है, 1, ठीक
ठीक है। ये दो का एक करते धागे को हर लाइन में ऐसे दो बार लपेटते हुए जाना। देखिए फिर से दो का एक किया, दो का एक किया, दो का एक किया, ये हमारा जो है दो ट्रिपल क्रोशिया बनके तैयार हो गया है। फिर से हम इसमें एक दो चैन लेंगे, फिर धागे को दो बार लपेटेंगे और उसके अगले वाले में इसमें हमें ऐसे दो बार बना लेना है ट्रिपल क्रोशिया। ये वाली लाइन जो है हमारी पूरी ऐसे ही बनेगी, तो फिर हम बना के दिखाते हैं, ठीक है। एक बार और हम बता दे रहे हैं कैसे बनाना है। ये देखिए यहाँ पे देखिए इस वाले में हमने यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइंट किया और इसमें ला के हमने दो ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर दो बीच में दो चैन लिया, ठीक है। फिर इसके जो ये अगला वाला जाली हमने बनाया था, मतलब डिज़ाइन का फूल का जो, मतलब आप उसको होल कह सकते हैं, जाली कह कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। उसमें फिर से हमने यहाँ पे दो लगातार ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर दो चैन, फिर दो ट्रिपल क्रोशिया, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे ही हमें ये पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो दूसरा वाला लाइन है ये भी पूरा हो गया है और लास्ट में हम आए हैं। तो लास्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे एक दो चैन लेना है, ठीक है। और यहाँ पे एक दो तीन चौथे वाले में इसको हमें ऐसे ज्वाइंट कर लेना है, ठीक है। फिर से यहाँ पे इसके बीच में लेके आएंगे स्लिप स्टिच लगाते हुए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। फिर से एक दो तीन चार, चार चैन बनाना है। फिर से हमें यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें एक दो तीन चैन लेना है, फिर धागे को दो बार लपेटना है, फिर दो ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे भी हमारा बनेगा, ठीक है। देखिए एक, फिर यहाँ पे ये दो। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है बन गया। अब बीच में हमें कोई चैन नहीं लेना है और हमको आ जाना है डायरेक्ट कहाँ पे, ये देखिए ये हमारा तीसरा लाइन भी पूरा हो गया है। अब लास्ट वाला बाकी है। वीडियो थोड़ा सा स्किप, मतलब कट हो गया दोस्तों, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। इसमें हमने देखिए सेम वही चीज़ जहाँ हमने दो चैन लिया हुआ है ना, यहाँ पे बीच बीच में दूसरे लाइन में, उसी में हमें दो दो ट्रिपल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर दो ट्रिपल क्रोशिया, ऐसे ही बनाना है। इसमें देख लीजिए यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर इसके बाद एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पे एक दो तीन चैन बनाया, फिर से इसी में हमें दो ट्रिपल क्रोशिया से बना लेना है। देखिए एक, ठीक है, फिर से दो, ये वाला डिज़ाइन जो है हमारा पूरा हो। अब फिर देखिए लास्ट में हमें यहाँ पे एक दो तीन चार चौथे चैन में हमें ऐसे इसको ज्वाइंट कर लेना, ठीक है। अब इस डिज़ाइन का हम कौन सा लाइन बनाएंगे, देखिए एक दो तीन लाइन हमारा पूरा हो गया चौथा, तो ये जो दो है ना ये बीच का ट्रिपल क्रोशिया, इसको हमें ऐसे ऐसे स्लिप स्टिच लगाते हुए पार कर लेना है यहाँ पे, देखिए ऐसे ये हमारा पार हो गया। फिर से हमें एक दो तीन चार, चार चैन बनाना है, फिर धागे को दो बार लपेटेंगे ऐसे ही, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक और बनाएंगे, इस बार हमें तीन ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। ट्रिपल क्रोशिया मतलब जो तीन बार में बने। फिर यहाँ पे एक दो तीन चैन लेंगे हम, तीन चैन लेने के बाद फिर से हमें यहाँ पे एक दो तीन, तीन ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए यहाँ पे जहाँ हमने तीन तीन चैन लिया हुआ था उसी के अंदर टोटल हमें, मतलब जो है तीन ट्रिपल क्रोशिया, फिर तीन तीन चैन, तीन ट्रिपल क्रोशिया, तो इसमें हमारे टोटल छः ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे, ठीक है। ये देखिए एक डिज़ाइन हमारा बन गया। अब हमें इस, ये देखिए ये जो दोनों है ना, इधर का दो ट्रिपल क्रोशिया और इधर का, इन दोनों को छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पे कोई चैन वगैरह नहीं लेना है डायरेक्टली, यहाँ पे हमें ऐसे धागे को दो बार लपेट के इसके अंदर जहाँ पे तीन चैन लिए हैं वहाँ पे आया है, यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे तीसरा ट्रिपल क्रोशिया, यहाँ पे फिर एक दो तीन चैन, फिर से तीन ट्रिपल क्रोशिया। ये वाला लाइन हमारा ऐसे ही बनेगा, इसके ऊपर वाला भी लाइन सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो हम ये दो लाइन जो है बना के दिखाते हैं और इसके ऊपर वाला जो है, जो ये देखिए यहाँ पे हमने तीन तीन बनाया हुआ है ना, तो इसके ऊपर एक लाइन और बनेगा यहाँ पे जो है सेम इसी स्पेस में बनेगा, यहाँ पे तीन ट्रिपल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर तीन ट्रिपल क्रोशिया, फिर ठीक है। जो इसका जो तीसरा लाइन होगा, मतलब इसके बाद का जो, इसके बाद जो दूसरा है, फिर इसके बाद वाला तीसरे लाइन में हमें एक बार में चार ट्रिपल क्रोशिया,
तीन चैन चार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बना के भी थोड़ा सा दिखा दूँगी क्या करना है, ठीक है। तो पहले हम ये वाला जो दो लाइन है इसको पूरा कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो है दो लाइन पूरा हो गया है। यहाँ पे ये मैंने बना के बनाया था, बताया था, और इसमें मैंने तीन तीन वाला फिर से कर लिया। अब हमें ऊपर का जो चार वाला लाइन बनाना है ना, उसको हमें देखिए ये वाला ऊन हम यहीं पे कट कर लेंगे ऐसे। ये हमारा नीचे आ गया, और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसको इसके बीच में लाना है ना, यहाँ से शुरू करना है हमें, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पे हम इसको धागे को लेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा ऐसे गांठ लगा देंगे, ठीक है। गांठ लगाने के बाद से हमें इसमें चार चैन बनाने हैं, दो तीन चार, चार चैन बना के फिर से इसमें हमें चार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। जो चैन वाला है इसको लेकर के हमारा चार ट्रिपल क्रोशिया बनेगा। तो ये देखिए, ये हमारा तीन हो गया, ये हमारा चार हो गया, ये देखिए चार हुआ ना। फिर से हमें यहाँ पे एक दो तीन, तीन चैन लेना है, फिर से चार ट्रिपल क्रोशिया यहाँ बना लेना है हमें, यहाँ पे ऐसे एक दो तीन, ये चार, ठीक है। यहाँ पे हमने चार ट्रिपल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर चार चैन, चार ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम आप फिर से हमें बीच में जो है चार चैन लगा लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दो तीन चार, चार चैन लगाने के बाद से फिर से हमें यहाँ कैसे बनाना है, यहाँ पे देखिए ऐसे एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया, एक चैन लिया, फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया, ठीक है, फिर एक चैन लिया, फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर से एक चैन लिया, फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया, ये हमारा चौथा ट्रिपल क्रोशिया है, फिर एक चैन लिया, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया, ठीक है, ये हमारा पांचवा है, ठीक है। पांच ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हम, फिर से एक दो तीन चार चैन बनाएंगे, ठीक है। चार चैन बनाने के बाद फिर से चार चैन बनाने के बाद फिर से यहाँ पे धागे को दो बार लपेटेंगे और इसमें चार ट्रिपल क्रोशिया, तीन चैन चार ट्रिपल क्रोशिया ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो पहले इसको बना लेते हैं, ये यहाँ पे देखिए चार जो ट्रिपल क्रोशिया है, फिर तीन चैन, फिर चार बन गया है। अब ये बीच वाला हमें बनाना है, फिर से यहाँ एक दो, सॉरी दो तीन चार, चार चैन हो गया हमारा। फिर यहाँ पे धागे को दो बार ऐसे लपेट लेंगे, फिर से हमें पांच बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, सॉरी एक ट्रिपल क्रोशिया, एक चैन, एक ट्रिपल क्रोशिया, एक चैन, ऐसे करके पांच बार बनाना है। तो इस लाइन में हम बस यही करते जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए दूसरा वाला भी हो गया, एक चैन ले लिया हमने, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर से एक चैन, फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया, ये हमारा चौथा है, फिर से एक चैन, फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया, ये हमारा पांच हो गया, ठीक है। ये हमारा पांच हो गया, देखिए पांच होने के बाद से फिर से चार चैन, यही चीज़ सेम रिपीट करते हुए हमें ये पूरी लाइन जो है बनानी है। ये देखिए, ये वाली लाइन जो है हमारी पूरी हो गई है। तो अब यहाँ पे हमें बस सिंपली चार चैन लेना है, ठीक है, एक दो तीन चार, चार चैन लेके और इसके चौथे वाला जो ये चैन है इसमें हम इसको ज्वाइंट कर देंगे ऐसे, और यहीं पे हमें जो है इस धागे को कट कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा धागा जो है अंदर की तरफ ले जाके बाद में हम इसको सिल लेंगे, सॉरी काट लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा कुछ डिजाइन इस तरह से बैठा हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन। ये बीच में थोड़ा फूल जा रहा है ना, तो ये बाद में बैठ जाएगा, जब ये बड़ा होगा तो ऐसे खींचा आएगा तो ये और सही हो जाएगा। अब हमें
यहाँ पे जो है सफ़ेद कलर का ऊन जो है लगाना है पफ बनाने के लिए। ये जो हम पफ बनाए हुए हैं इस पफ को बनाना है, ठीक है। पफ हमें किस में बनाना है, ये जो हमने एक एक ट्रिपल क्रोशिया एक एक चैन लिया था इसमें, तो यहाँ पे हम ऐसे धागे को डाल के और यहाँ पे इसको ऐसे धीरे से निकाल देंगे, ठीक है। और इसको खूब अच्छी तरह से यहाँ पे कैसे गांठ लगा लेंगे ताकि ये फंस जाए। अब इस धागे को आपको जितना बड़ा भी बनाना है उतना बड़ा खींच लीजिए। फिर इसमें पांच बार, ये हमारा तीन हो गया, चार हो गया, ये पांच हो गया, पांच बार ऐसे खींच के निकालना है और यहाँ पे ऐसे गांठ लगा देना, ठीक है। गांठ लगाने के बाद फिर से यहाँ हम एक चैन लेंगे, ठीक है। एक ले लीजिए या दो ले लीजिए, चलिए दो ले लेते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पर ऐसे बड़ा सा यहाँ पे ऐसे पफ बनाएंगे, ये देखिए पांच बार, फिर यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो ये हमारा थोड़ा स्पेस होगा तो सुंदर ज़्यादा लगेगा। फिर से यहाँ पे देखिए इसमें हमारा टोटल कितना बनेगा पफ जो है, पांच है हमारा, तो शायद चार बने यहाँ पे। वो दोस्तों हमारा बड़ा था इसलिए हमने उसको बड़ा बनाया हुआ है, ठीक है। वो लंबा होगा और इसको हम बस डिज़ाइन आपको बना के बता रहे हैं कि आप इस तरह से उसको बनाना है, ठीक है। और इसका जो लास्ट का मेजरमेंट है उसको मैं अभी आपको बता दूंगी कि लास्ट में भी उसको हमें कैसे करना है, ठीक है। उसमें कितने फंदे इस वाले में हैं, कितने क्या हैं, मैं आपको लास्ट में वीडियो के लास्ट में इसको जो इसका जो ग्राफ मैं बनाया उसको आपको दिखा दूंगी, ठीक है। पहले इसको समझिए, देखिए यहाँ पे अब हमारा चार हो गया। फिर से यहाँ एक चैन लेंगे, फिर इसको इसी में लेके एक बार से ऐसे गांठ लगा देंगे, फिर यहाँ खींच लेंगे, ठीक है। इसको खींचने के बाद जो है फिर से हमें यहाँ पे ऐसे फिर से यहाँ पे ये वाला पफ बनाना है, ये देखिए। इसको आप जितना मतलब मर्जी हो उतना रख लीजिए लंबाई, ठीक है। इस वाले में हमें बस एक एक ही चैन लेना है, ठीक है, ऊपर वाले में। यहाँ ऐसे, ठीक है। फिर से एक चैन लिया हमने, धागे को लपेटेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारा सिर्फ तीन में तीन ही बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ये पूरा बना लेना है ये, ठीक है। फिर यहाँ एक चैन लेंगे, फिर इसके ऊपर हम आएंगे यहाँ पे ऐसे, फिर से इसको खींच लेंगे, इसमें हमारा बनेगा दो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हमारा बना ये, तो ये इसको आप अंगूर भी कह सकते हैं क्योंकि अंगूर का जो लच्छा होता है वो इसी हिसाब से होता है, ठीक है। और ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लगता है ये देखिए। यहाँ फिर से एक चैन लेंगे हम, फिर इसको घुमाएंगे और यहाँ पे ऐसे करके फिर धागे को खींच के यहाँ पे सिर्फ एक ही हमें पफ जो है बनाना है यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे देखिए। तो ये बन गया, अभी यहीं पे हम धागे को काट लेंगे, ठीक है, मजबूती से। तो ये देखिए एक जो है हमारा ये छोटा सा बन के ये पफ जो है तैयार हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमें इसमें भी बनाना है, फिर इसमें भी बनाना है, फिर इसमें वाला टोटल हमारा जानती हैं कितना बन रहा है। एक बन गया हमारा, दो तीन चार, चार ये बनेगा हमारा, ठीक है। जो मैंने ये वाला है ये थालपोश, इसमें मैंने 16 रखा हुआ है तो इसमें हमारा ये 8 बना है। तो इसमें मैंने इसका आधा रखा हुआ है डिज़ाइन बताने के लिए, इसमें 8 रखा हुआ है तो इसमें बस हमारा 4 ही बनेगा। तो पहले हम ये 4 बना लेते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर फिर उसी हिसाब से बना लेना है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा जो है ये डिज़ाइन बन के तैयार हो गया, चारों तरफ का अंगूर मतलब ये वाला, ठीक है, ये अंगूर हमारा बन के तैयार हो गया। अब हमें ये डिज़ाइन बनाना है, तो इस डिज़ाइन को आप इस मतलब जो ये हरा वाला है ना इसी से बनाना है। मैंने थोड़ा अलग किया हुआ है इसमें इसलिए ये कलर लगा दिया, लेकिन मैं इसमें बस हरे कलर का प्रयोग करूँगी, ठीक है।
तो चलिए अब इसका ये वाला डिज़ाइन बनाते हैं, शुरू करते हैं। फिर इन तरफ से ये जो है मैंने एक दो तीन बना दिया है, ठीक है, क्योंकि पूरा तो मैं बना के बताती नहीं, ठीक है। तो अब इसमें हम बनाना सीखेंगे, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ से हम इसको जो है यहाँ पे इसको लगाएंगे, और ये जो धागा है ना इसमें ऐसे छोटा सा गांठ बना लेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे। इस वाले थाल पोस्ट में दोस्तों थोड़ा सा सिकुड़न आ गया है, ठीक है, आप में भी आ सकता है, वो ऊन की वजह से होता है, ठीक है, ऊन और क्रोसिया की वजह से होता है। जैसे कहीं अगर ऊन थोड़ा सा भी मोटा पड़ गया और क्रोसिया पतला, यहाँ पे देखिए पांच चैन लेंगे हम, एक दो तीन चार पांच चैन लेंगे, ठीक है। अभी मैंने ये ऊन को काटा हुआ नहीं है, बाद में काट लेंगे अभी। फिर यहाँ पे देखिए बीच मिलाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे चार ट्रिपल क्रोसिया तीन चैन बनाया हुआ ना, वैसे ही यहाँ पर भी हमारा बनेगा, ठीक है। तो पहले इसको बना लेते हैं, एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन, ये चार हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक दो तीन चैन, फिर से तीन ट्रिपल सॉरी चार ट्रिपल क्रोशिया, एक हो गया, ये दो हो गया हमारा, ये हो गया तीन, ठीक है, और ये हो गया हमारा चार। फिर से अब हमें एक दो तीन चार पांच चैन लेना है, और इस चैन को ला करके हमें ये जो पफ बना है इसके ऊपर वाले में यहाँ पे ऐसे जॉइंट करके ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेना, ठीक है। फिर से एक दो तीन चैन बनाना है, और इसके ऊपर वाले में यहाँ ला के ऐसे जॉइंट करके स्लिप स्टिच लगा देना है। फिर पांच चैन बनाना है हमें, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच हो गया हमारा। उसके बाद से क्या करेंगे हम, यहाँ पर फिर से हमें चार ट्रिपल क्रोशिया बनाना, ठीक है, चार बार, एक दो तीन चार, ठीक है। फिर से एक दो तीन चैन लिया हमने, फिर से हमें तीन बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन, ठीक है, तीन बनाने फिर से तीन चैन, फिर से तीन बार ट्रिपल क्रोशिया, एक दो ये तीन, ठीक है। देखिए पहले हमने चार ट्रिपल क्रोशिया तीन चैन बनाया, फिर उसके बाद से तीन ट्रिपल क्रोशिया तीन चैन, फिर से तीन ट्रिपल क्रोशिया, फिर तीन चैन, अब लास्ट में हमें फिर से चार और डबल ट्रिपल क्रोशिया हमें यहाँ जो है बना लेना है, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया, ये हमारा दो हो गया, ये तीन हो गया हमारा, और ये हो गया चार। तो ये कुछ हमारा इस तरह से फूल की तरह ये जो है बन के निकलेगा। यहाँ से फिर से हमें एक दो तीन चार पाँच पाँच चैन लेना है। पांच चैन लेने के बाद से हमें कहाँ पे इसको ज्वाइंट करना है, यहाँ पे, यहाँ, तो यहाँ से हमने शुरू किया था इसके ऊपर वाले में, दूसरे वाले जो ये पफ का दूसरा लाइन है, ठीक है, इसमें इसको ऐसे स्लिप स्टिच लगा देना है। फिर तीन चैन बनाना है, फिर इसके ऊपर वाले में मैं ऐसे इसको ला के इसको यहाँ पर भी ऐसे हमें स्लिप स्टिच लगा देना है। फिर से हमें पाँच चैन बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो तीन चार पाँच, पाँच चैन बना लिया हमने। फिर से अब हमें यहाँ पे जो है यहाँ पे चार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, तो ये हो गया हमारा एक, ये हो गया दो, दो हो गया, ये हो गया तीन, ठीक है, और ये हो गया चार। फिर से यहाँ तीन चैन लेंगे हम, फिर से चार चार ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, ये एक हो गया, ये हो गया हमारा दो। तो पहले इसको हम चार बना लेते हैं, देखिए ये चार बन गया इसी में। अब फिर देखिए क्या करना है हमें, जो हाँ ये तीन है ना तीन वाला, यहाँ पे बस हमें सिंपली एक दो तीन चैन बना के
यहाँ ऐसे ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। फिर से एक दो तीन चैन बना लिया हमने, फिर ये जो है ये चार और तीन के बीच में यहाँ पे फिर से हमें चार डबल क्रोशिया, तीन चैन चार डबल क्रोशिया बनाना है इस वाले में, और पांच चैन ला करके इसमें जोड़ लेना है। तो इतना बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा बन गया है, ठीक है। चार, अब यहाँ पांच वाला जो है इसको ला के हमें इस वाले में हमें ऐसे ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है फिर से हम तीन चैन लेंगे और इसमें ला के ऊपर वाले में से ज्वाइंट कर देंगे। फिर से यहाँ पे पांच चैन लेंगे, पांच चैन लेने के बाद से फिर धागे को दोबारा लपेटेंगे और इसमें टोटल सात ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बना, एक दो तीन चैन, फिर इसमें और इसमें ऐसे इसको निकाल के ये ऊपर का जो डिज़ाइन बना रहे हैं हम वो बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके फिर इसको ऐसे खींच लेंगे, फिर से धागे को दो बार लपेटेंगे, फिर इसी में हमें एक बार और बना लेना है ऐसे ट्रिपल क्रोशिया, फिर से एक दो तीन चैन, फिर ये देखिए इन दोनों में ऐसे ले करके निकाल के फंदे को और ऐसे गिरा देना है, ठीक है। दो हो गया, फिर से एक बार हमें और ट्रिपल क्रोशिया, ये हो गया तीसरा बना रहे हैं हम। तो ऐसे ही हमें इसी में सात बार बनाना है, ठीक है। सेम जहाँ हम बना रहे हैं इसी में हमें सात बार बनाना है, सेम ऐसे ही। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है सात बार बन गया है, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब हमें तीन चैन लेना है, यहाँ देखिए तीन चैन ले लिया हमने और इसको जो है हम ला के यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। फिर से एक दो तीन चैन बनाएंगे और इन दोनों में ऐसे ले करके फिर से इसको ऐसे निकालेंगे और एक ऐसे स्लिप स्टिच लगा देंगे, ठीक है। फिर से इसके बगल वाला जो ये जाली है इसमें भी वही चीज़ करना है हमको, ऐसे ही ला के ऐसे स्लिप स्टिच लगा, सॉरी सिंगल क्रोशिया बना के फिर तीन चैन, फिर इन्हीं दोनों में से जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था ऐसे निकाल के और बना लेंगे, ठीक है। अब फिर से एक दो तीन चैन, फिर धागे को दोबारा लपेटेंगे, फिर इसमें जो शुरू में हमने ये बनाया था सात डबल क्रोशिया ऐसे ही बना लेना है, सॉरी ट्रिपल क्रोशिया, तीन बार ऐसे बना के फिर फंदे को ऐसे डाल के और इसमें से इसमें ऐसे निकाल लेना है। फिर से धागे को दो बार लपेटेंगे, इसको ऐसे इसमें निकाल देंगे, इसमें भी हमें पूरा इसको सात बार बनाना है ऐसे। ये हमारा सात बार बनेगा, ऐसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सात बार बन गया हमारा। अब हमें एक दो तीन चार पाँच, पांच बार जो है डबल सिंगल चैन बना के और इसमें हमें ला के ऐसे इसको ज्वाइंट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हम धागे को जो है ऐसे काट लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है बन के तैयार हो गया, कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बना हुआ है, देखिए कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है बन के तैयार हो गया है। धागे को जब हम काट लेंगे तो ये बहुत ही प्यारा सा और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन जो है हमारा बनके तैयार हो जाएगा। ये इसको आप, ये बहुत छोटा है तो इसको आप फ्लावर पॉट के नीचे भी रख सकती हैं, ठीक है, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चलिए अभी इसका धागा काट लेंगे और इसका हम जो ये मैंने बड़ा वाला बनाया हुआ है इसका मैनेजरमेंट, मतलब ये कितने में मैं बनाई हूँ, कहाँ क्या क्यों, ये आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम ये जो जैसे मैं बनाई हूँ सेम है, यहाँ पे उसमें आठ था यहाँ सोलह है, ठीक है, उसका दुगुना वही सेम वही चीज़ है, ठीक है। ये देखिए बस बड़ा है और यहाँ पे मैंने उसमें पाँच रखा हुआ है, इसमें नौ है, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ठीक है। और यहाँ पे वो वाला मैंने बनाया हुआ है बहुत कम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। अगर आपको ये इतना ही बड़ा बनाना है, ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस थालपोस का जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आप ऐसे ही इसको बना लेंगे, ठीक है, बहुत ही प्यारा है। अगर आपको इतना ही बड़ा बनाना है या इससे भी बड़ा बनाना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं बना के फिर बताऊँगी। तो प्लीज़ बताइएगा आप लोगों को ये मेरा जो बड़ा और ये छोटा सा प्यारा सा डिज़ाइन है आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।